तो दोस्तों पीछे के वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल मतलब कंट्रोल ए तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब सबसे पहले आता है फॉन्ट। फॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो सपोज करो मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड। और देखो मैंने ये कोई भी पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। सपोज जैसे कि आप भी कोई पैराग्राफ लिखोगे तो उसके बाद में मैं देखो फॉन्ट का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। देखो फॉन्ट चेंज करना है आपको, सपोज करो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आपको टोटली फॉन्ट चेंज करना है। देखो ये जो एरो है ना इस पे गए, और देखो आप फॉन्ट का मीनिंग खुद समझ गए होगे कि जैसे जैसे मैं इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट पे ओके कर रहा हूँ वो अपने आप ही देखो शो हो रहा है कि किस टाइप का फॉन्ट आपको चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे एरियल ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है, अभी सारा का सारा यहाँ पे एरियल ब्लैक हो चुका है। इसके बाद में सेकंड चीज है इसकी साइज। ठीक है, अब देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसके साइज पे जाऊंगा और देखो समझ गए ना, साइज मतलब वो वर्ड कितना छोटा चाहिए कितना बड़ा चाहिए। देखो काफी बड़ा हो गया, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना पसंद हो उतना करके सेलेक्ट कर लेना। ओके, इसके बाद में देखो ये वो ये साइज इंक्रीज करना साइज डिक्रीज करना और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो सपोज मैं करके दे देता हूँ, एक सेकेंड, देखो साइज बढ़ रहा है और इसे एरो डाउन से साइज घट रहा है। ओके, अब आता है नेक्स्ट वर्ड, ये सेंटेंस लोअर केस। देखो पहले इसका फंक्शन समझा देता हूँ, वो समझने का ट्राई करना। देखो मानो ये सेंटेंस है कोई, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टू से लेके और ये हेडर तक, ओके, या यहाँ तक मान लो प्रोड्यूस तक। ओके, अब देखना इसमें मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला होता है सेंटेंस। देखो सेंटेंस में आपने कभी कभी चीज देखी होगी, कभी हर चीज में देखोगे कि जब किसी डॉट के बाद में कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, मतलब बड़ा। तो देखो इसमें जैसे टू ऑलरेडी लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, ठीक है, मैं इसको पहले स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है, टू। ओके, ये हो गया छोटा। अब देखना मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले सेंटेंस को, ओके, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब सेंटेंस टाइप का मतलब सेंटेंस केस करना है हमको, तो सेंटेंस में इसने खुद ने कर दिया। अब देखो दूसरा केस क्या है इसका, केस था मतलब कि अगर कोई गड़बड़ी से हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई कैपिटल लेटर बनाना भूल गए तो उसको करेक्ट कैसे करा जाएगा, उस पर टैप मारो पूरे सेंटेंस पे और वो अपने आप चेक कर लेगा और कैप जहाँ पे छोटा होगा वर्ड उसको बड़ा कर देगा अपने आप ही। ठीक है, नेक्स्ट केस होता है लोअर केस। ठीक है, मतलब अगर कोई गलती से आपको ये वाला बड़ा बना बड़ा बन चुका है तो आपको छोटा करना है, तो अब ये पे अपने आप लोअर केस में जाते ही बड़े को छोटा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपर केस, मतलब जो छोटा था वो बड़ा कर देगा उसको, समझे, सारे के सारे वर्ड छोटे कर दिए हैं। ओके, और लोअर केस का मीनिंग क्या था कि सारे के सारे वर्ड छोटे कर देगा, जैसे ये सारे के सारे बड़े लेटर्स में लिखे हुए हैं ना कैपिटल लेटर में, इनको सारे को सारे को स्मॉल लेटर में कर देगा, लोअर केस कर देंगे हम। ओके, इसके बाद में क्या होता है, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, मतलब हर वर्ड के पहला वर्ड जो वर्ड है उसमें कैपिटल लेटर को ऐड कर देगा, समझ गए, जैसे टू को टू का जो है टी, एम मेक का एम, योर का वाई, डॉक्यूमेंट का डी, लुक का एल, प्रोफेशनली का पी, प्रोड्यूस्ड का पी। ओके, जब मैं करके देखूंगा तो यहाँ पे देखो सारे के सारे चेंज हो गए ना, ऐसे सेम अपोजिट केस कर देगा टोगल केस। टोगल का मतलब है बिल्कुल अपोजिट, टोगल कर देना एक दूसरे को। अब देखना ये सारे के सारे जो मतलब छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे और जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे, समझ गए ना, टी का टू का टी छोटा, एम का एम छोटा और ये ई और का वाई छोटा, समझ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट केस, अगर ये चीज समझ में आ गई है इसके बाद समझाता हूँ बोल्ड क्या होता है। ठीक है, देखो सपोज करो आपको ये वर्ड यहाँ से यहाँ तक बोल्ड करना है, ठीक है, तो सेलेक्ट करा वर्ड को और बोल्ड बटन दबा दिया। ठीक है,
बोल्ड का मीनिंग आप समझ गए ना कि जो कुछ साइज है उसका, उसको थोड़ा साइज को बड़ा कर देना। ये वाला साइज नहीं, मतलब वर्ड के साइज को, मतलब वो मोटे मोटे से सब थोड़े दिखने लगते हैं उसके बाद में। अब उसके बाद में देखो एक नया फंक्शन, अब आता है नेक्स्ट आइटैलिक। ठीक है, अब देखो ना आइटैलिक क्या होता है। जब मैं इस पे आइटैलिक करूंगा तो ये थोड़े वर्ड जैसे स्ट्रेट खड़े होते हैं ना, ये थोड़ा इस टाइप से हो जाते हैं, जो कर्सिव राइटिंग टाइप का होता है ना कुछ ऐसा आइटैलिक। देखो समझ गए ना कवर कैसे होगा, अब पेज भी कैसे हो गया, दोनों के दोनों। देखो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा आपको, जब सपोज करो मैंने आइटैलिक कर दिया, देखो समझे कि एक करने इस वाले टेक्स्ट में क्या अंतर है कि ये शब्द थोड़े वर्टिकली अलाइन नहीं है, थोड़े इस डायरेक्शन में अलाइन है, और इसके बाद में ये होता है अंडरलाइन। ठीक है, अब देखो इस सारे के सारे वर्डों के नीचे अगर हमको एक लाइन बनानी हो, सपोज इस टाइप की या कुछ अलग टाइप की, देखो जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस टाइप की हो जाएगी, डबल वाली हो जाएगी, मोटी वाली हो जाएगी, और ये डॉट 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 हो जाएंगे, डैश डैश जो होती है, समझे। और नॉन करना है तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए तो नॉन कर दो। जैसे कि मानो कि मेरे को इसमें ये चाहिए, इस पर ओके कर दिया, हो गया ना सेलेक्ट अपने आप ही। अब उसके बाद में ये होता है सफिक्स टाइप का, और ये होते हैं वो जैसे एक्स स्क्वायर और वी की क्यूब, कुछ ऐसे चाहिए वो वर्ड तो इसमें जाके कर लेना। ठीक है, और ये x2 जैसे वो होता है फैक्टर जो निकालते हैं, x1 y1 z1 की वैल्यू ऐसे कुछ फाइंड करके इक्वेशंस में, मैथ में कुछ, उसको अगर हम मानो कि डॉक्यूमेंट में किसी में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो वही है, मतलब वर्ड को कैसा कलर देना चाह रहे हो, ये इम्पोर्टेंट मतलब आपके अकॉर्डिंग है। देखो आउटलाइन मतलब कैसे कलर में आउटलाइन चाहिए आपको, ग्लो, ये सारे के सारे फीचर्स हैं, मतलब इन वर्ड्स को कैसा दिखाना चाह रहे हो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये वाला चीज समझनी है, ये वाला, तो इसमें देखो आप खुद ही समझ रहे होगे कि जैसे जैसे मैं वर्ड पे कर रहा हूँ वो ऐसा का ऐसा ही, जैसा यहाँ पे है ऐसा ही यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ऑरेंज करा तो वहां पे ऑरेंज हो गया, येलो करा तो येलो हो गया, ओके ये हार्ड वाला कर दिया ये हो गया, ब्लैक करूंगा ब्लैक हो जाएगा, और ये समझ गए ना जैसे शेडो टाइप का। और आउटलाइन मतलब अगर हम इसमें कुछ आउटलाइन करना चाहें, जैसे कि देखो समझ गए ना, इसको कलर को सेलेक्ट कर दूँ या इसको, तो वैसे कलर के आउटलाइन हो जाएंगे इसकी, शेडो मतलब हमको अगर पीछे कैसा चाहिए, देखो वहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे मैं मानो कि इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो इसके पीछे शेडो भी ऐसे ही बन रही है वहाँ पे, समझ गए, वर्ड के पीछे शेडो। देखो इस वाले वर्ड में शेडो कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे शेडो शो हो रही है, तो इसका फंक्शन आप समझ गए यहाँ पे। और अब आता है ये, इसको वर्ड को कैसा कलर देना चाह रहे हो, सपोज करो आप इतने से इतने वर्ड को सिर्फ, जैसे क्लिक से लेके देन तक, ठीक है, अब इसको ही आप कलर देना चाह रहे हो रेड, ओके। तो देखो इसमें सेलेक्ट कर दिया और हो गया, मतलब सारे वर्ड में से सिर्फ ये वर्ड पे तुमको रेड कलर चाहिए था, इस पे सेलेक्ट किया और कलर पे जाके ओके कर दिया, जो सा भी कलर हमको चाहिए हो, काफी कलर्स हैं और भी आप इन मोर कलर्स में जाके डिजाइन कर सकते हैं, ओके। ये देखो कितने सारे हैं, ओके। अब देखते हैं यार ये जो मतलब हाईलाइटर वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, अब देखो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आपको ये वर्ड हाईलाइट करना है, मतलब इसके चारों तरफ कुछ वैसा जैसे हाईलाइटर देखा होगा ना आपने, जो एक ग्रीन से एक लाइट ग्रीन कलर का होता है वो, तो वो जो ऐसे कलर के पूरे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम कर देते हैं, ऐसे ही अगर हमको इसमें चाहिए हो तो हम कैसे करेंगे। देखो इस पे सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ पे इस पे गए और हमको ये ग्रीन कर दिया, समझे, तो ये सिर्फ यहाँ पे ये जितना सेलेक्ट पोर्शन किया था उतना ही हाईलाइट हुआ है और बाकी का सेम टू सेम है हाईलाइट में।